गाइस, मैं बिग बॉस एक्सट्रीम से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में दिखाया जा रहा है कि जब अर्चना एंड सजिद खान के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, सजिद खान अपने जो टांग से किक कर देते हैं एक बॉक्स को, जिसके कारण अर्चना के पैर में चोट लग जाती है और अर्चना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और सजिद खान उनको बहुत ज़्यादा गाली देने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सजिद खान उनकी माँ को लेकर बहुत गंदा वर्ड बोल देते हैं, जिसके कारण अर्चना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कह देती है कि मेरी माँ को छोड़ो, आप अपनी माँ को देखो ना, आप अपनी माँ को देखो, जिसमें बहुत ज्यादा एक दूसरे को गाली गलौच दी जाती है, जिसके कारण प्रियंका चौधरी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अर्चना को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और सजिद खान बार बार उनको कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा होता है और वो उनको मारने की कोशिश करते हैं। तभी प्रियंका चौधरी अर्चना को कंट्रोल करती है और कहती है कि अब तू प्लीज कोई ऐसी गलती मत कर देना जिसके कारण फिर से तुम्हें घर से बिगड़ होना पड़े, और उनको बार बार कंट्रोल कर रही है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है कि जैसे भी हो प्रियंका चौधरी को अर्चना की फिक्र है और वो नहीं चाहती कि अर्चना फिर से कोई गलती कर दे और घर से बेघर हो जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि सजिद खान एंड अर्चना के बीच में कौन सा कंटेस्टेंट राइट है? तो प्लीज़ आप अपनी राय हमसे शेयर जरूर कीजिए और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।